जी लाइन पर रहेगा, लाइन पर रहेगा, हम ऑन एयर जा रहे हैं। जी सामीन प्रोग्राम में आपको कहते हैं, जी सामीन प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय, अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 02199232096 पर। बात कर रहे हैं हम आज माँ बच्चे की सेहत और COVID-19 इस हवाले से जो आगाही प्रोग्राम किया जा रहा है, काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट और आवाज़ फाउंडेशन की जानिब से एक आगाही प्रोग्राम है, इस पर हम बात करेंगे। अभी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर बिल्किस रहमान, जो कि फाउंडर और प्रेजिडेंट हैं काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। जी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर बिल्किस, मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामीन को बताएं ये जो माँ बच्चे की सेहत और COVID-19 के हवाले से आगाही प्रोग्राम या आगाही मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं? पाकिस्तान में चला रहे हैं, हम कराची डिस्ट्रिक्ट में इसको करके इसको रन कर रहे हैं, जिसमें मेन मकसद हम बारिशों के वो सबसे भी जो दरकार हैं खसूसी तौर पर जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं या वो जो आपके ओल्ड एज पीपल हैं या वो लड़कियां जिनकी कम्युनिटी में शादी हो रही है या औरतें बिलखसूस जो कि बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसाइल से दो चार हैं, तो हम इन सब चीज़ों पे आगाही की मुहिम का बात करें। COVID-19 के हवाले से इनकी खास तौर पर इनकी किस तरह मदद की जाए और कैसे हुकूमत इसके लिए इकदाम करे, और खास प्रोग्राम के अंदर भी हमारी मॉनिटरिंग सवाल करने सर्वे किए हैं और उनकी फाइंडिंग इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। आज का जो प्रोग्राम है बिल्कुल हम चाहते हैं कि इससे आगाही हो लोगों को, औरतों को, क्योंकि 16,000 जायद बच्चे एक दिन में हमारे बच्चे पैदा होते हैं, और फिर साथ ही अगर हम देखें तो एक घंटे में जिस तरह आज अब हम प्रोग्राम अगर पूरा कर लेंगे 10 से 11, तो उस दरमियान में 700 बच्चे पैदा हो जाएंगे, और ये एक दवासत की जो रूटीन का जो एक स्टैटिस्टिक है वो मैं आपको बता रही हूँ, और COVID-19 में भी जाहिर है यही सिचुएशन होगी। जी बिल्कुल, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ हम चारों तरफ से घिरे हैं इस खतरनाक बीमारी से, और जिसमें हमें अपने माँ बच्चों को तो वैसे ही बचाना है, क्योंकि हर दूसरे मिनट में हमारे यहाँ एक नौ मौजूद बच्चा मर जाता है, और जैसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से 1,00,000 माओं में से 178 माएँ मर जाती हैं। जी, तो इस सूरत हाल में इंतहाई संगीन ये है कि हमारी हेल्थ की फैसिलिटीज में ये सारी चीज़ों से क्या प्रिपेयर है, क्या इनको इन सारी चीज़ों के साथ एड्रेस किया जा रहा है, ये सारे सवाल उठाने के हैं सरकार के साथ। और जाहिर है कि और जो माँ है खुद इस पर हामला, वो कैसे बचे और बच्चे को कैसे बचाए, और अगर माँ को किसी वजह से COVID-19 हो गया है तो हम उसको कैसे क्या मशवरा देते हैं। आज की मुहिम, आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें तमाम जो माहरीन मदद किए गए हैं वो हमें इस सारी चीज़ों से हमारी मदद करें, हमें समझाएं। ठीक है डॉक्टर बिल्किस रहमान, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम कर चुके हैं, आपके जो इस मुहिम के मकासद हैं वो बहुत नेक हैं, और उम्मीद करते हैं इस पे काम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जब हम COVID-19 के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो तमाम अफराद रिस्क पर हैं, लेकिन साथ साथ ही बड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया है, माँ और बच्चे की सेहत ये भी रिस्क पर हैं और इनके लिए भी काम करने की अशद ज़रूरत है। तो जो दूसरे माहरीन हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे, मज़ीद हम उनसे बात करेंगे और तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो ज़मीन हमारे साथ मौजूद थी टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर बिल्किस रहमान, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं काउंसिल फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट की, और ये प्रोग्राम जो है आवाज़ फाउंडेशन और काउंसिल फॉर पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट के तआवुन से ही पेश किया जा रहा है, एक आगाही मुहिम माँ बच्चे की सेहत और COVID-19, और मज़ीद हम इस पर बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे हमारे माहरीन, उनसे हम जो है बात करके सामीन को मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक, हमारे साथ रहेगा आमना।